बरसों बरस मनाया रब नू तब ये किस्मत मानी अपने आंगन में भी आई परियों की एक रानी प्यारी सी मुस्कान है उसकी और है भोली भाली नन्ही सी कली मेरी लाडली नन्ही सी कली मेरी लाडली नन्ही सी कली मेरी लाडली रंग बिखर जाते हैं इसकी एक मुस्कान से घर में कुछ हो जाए इसे तो सारे फिकर में आंखों में उसकी है चमक हर पहर शरारत वाली नन्ही सी कली मेरी लाडली नन्ही सी कली मेरी लाडली नन्ही सी कली मेरी लाडली दोनों के पट्टे खाते उस दिन ये दोनों भाई मिलके मुझे धमकी दे रहे थे कह रहे थे कि गुड्डी अगर 18 साल की हो गई तो उसके बाद हमने उसकी शादी मेरी मर्जी के बगैर सूर्या से करवा देनी है। सेठी साहब ठीक ही कहते थे। प्यार मोहब्बत को मैं नहीं समझता। जब एक लड़का और एक लड़की अच्छी नियत से मिलते हैं, नियत उनकी साफ होती है तो वो अच्छे दोस्त बन सकते हैं। अब देखिए आगे। मुझे इस बात की खुशी है कि अपनी गुड्डी शादी के बाद हमेशा खुश रहने वाली दिलजीत। सो तो है जी, जब कोई लड़की किसी लड़के को दिल से अपना मानती है ना तो हमेशा उसके साथ खुश रहती है। हाँ भाई ये बात तो सही है। ओ दिलजीत, सिटी साहब कह रहे थे कि अपने सूर्या के फादर वीपी साहब उनके पास बेशुमार दौलत है लेकिन है ना घमंड बिल्कुल भी नहीं। मालूम है क्या बता रहे थे? वो कह रहे थे कि बीपी साहब ने ये कहा है कि वो हमारी गुड्डी को ना सिर्फ 3 कपड़ों में अपने घर से लेके जाएंगे। पर मैं ये सोच रही थी कि मतलब क्या जी क्या है बोलना। वैसे तो लड़का बहुत अच्छा है, लड़के का खानदान भी बहुत अच्छा है, सब कुछ ठीक है, पर जब गुड्डी की शादी में हमारी बिरादरी वालों ने आना है और हमसे ये सवाल करना है कि हमने बिरादरी के किसी लड़के से गुड्डी की शादी क्यों नहीं की, तब हमने क्या जवाब देना है? देखिए बिरादरी वाली बात की टेंशन ने मेरे दिमाग भी थी, मैंने भी सोचा था कि बिरादरी वाले क्या सोचेंगे, बिरादरी वाले क्या बोलेंगे, कैसी कैसी बातें करेंगे। फिर मैंने ना सारी बात अपने दिमाग से निकाल दी। मैंने कहा एक बिरादरी वालों का क्या है, 2 दिन के लिए शादी में आना फिर अपने घर जाके बैठ जाना है। ओए हमें परवाह नहीं करनी है बिरादरी की, हमें परवाह करनी है अपनी बेटी की खुशियों की। देख एक बात ना तू अपने दिल में बिल्कुल गांठ बांध ले, मैंने तो बांध ली कि हमने बिरादरी के चक्कर में अपनी बेटी की खुशियों का गला नहीं घोटना है, हमने ध्यान देना है गुड्डी की खुशियों का बस। हाँ जी। हरी अब तो तुम खुश हो ना? हाँ चन्नी अब तो मैं बहुत खुश हूँ, अब तो मेरा काम भी सेटल हो गया है और फिर अब तो तुम्हारा साथ भी है, अब तो ऐसे लगता है जैसे लाइफ मीनिंगफुल हो गई हो। हरी वीर चन्नी दीदी आप दोनों को कोई काम धंधा नहीं है क्या? जब देखो तब टेरेस पे आके बातें करना शुरू कर देते हो। मन्नी ये बता जब सिमरन तुझसे बात करती है तो तुझे कैसा लगता है? अच्छा लगता है। हाँ तो बस वैसे ही जब तेरे हरिवीर जी मुझसे बात करते हैं ना तो उन्हें भी अच्छा लगता है और मुझे भी तेरे हरिवीर से बात करने में बड़ा मजा आता है। अच्छा चन्नी दीदी अगर आपको हरिवीर से बात करने में अच्छा लगता है तो सिमरन को भी मुझसे बात करना अच्छा लगता होगा ना? ओए बेवकूफ, सिमरन को तेरे से बातें करने में अच्छा लगता है तभी तो वो तेरे से बातें करती है। उत्तीर्ण। इसका मतलब सिमरन भी मेरे बारे में वही सोचती है जो मैं उसके बारे में सोचता हूँ। ओए चूजे तू पहले
पहले ये बता कि तू एग्जैक्टली सिमरन को लेके क्या सोचता है? हाँ चन्नी दीदी, आपको तो पता है ना कि मैं अपनी प्राइवेट और पर्सनल बातें किसी के साथ डिस्कस नहीं करता। सॉरी। ओए मन्नी के बच्चे, जब तू अपनी प्राइवेट लाइफ की बातें हमसे डिस्कस नहीं करता तो हमारी लाइफ में क्यों इंटरफेयर कर रहा है? हाँ मैंने कब आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर किया? ओए अभी अभी जब तेरे वीरजी और मैं बैठ के बातें कर रहे थे तब तू अचानक से हाथ धमका और कहने लगा कि आप दोनों को कुछ काम धंधा नहीं है क्या, जब भी कुछ आयश पे बैठ के बातें करते रहते हो। ओह हाँ, वो तो मैं इंटरफेयर थोड़ी ना कर रहा था, वो तो बस मैं ऐसे ही कैजुअली बात कर रहा था। हाँ तो मैं भी कैजुअली पूछ रही हूँ मन्नी कि तू अपनी सिमरन को लेके क्या सोचता है? तो आप दोनों मुझसे यानी कि मनिंदर खन्ना से पंगा लेने की कोशिश कर रहे हो, देख लेना हरिवीर, आपको बहुत भारी पड़ना है, क्योंकि जो मुझसे पंगा लेता है ना मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ता। चूजे चल निकल। मन्नी भी ना। सिम्स तैयार हो ना सूखे चाचू रूपी खड़ूस आदमी का सामना करने के लिए? हाँ हाँ बिल्कुल तैयार है। ओए गुल्लू के बच्चे, मैंने ना तेरे दांत तोड़ देना अगर तूने मेरे पापा को खड़ूस कहा तो। ओहो देखो कैसे तिल मिला रही है, जैसे इनके परम पूजनीय पिताश्री सुखदेव खन्ना जी बड़े ही सज्जन व्यक्ति हो। वाह बढ़ियाई मारने वाली, जब देखो ना दादागिरी करती रहती है। गुल्लू और मिक्की को उनको तो कुछ समझती ही नहीं है तू। याद रख। हाँ याद रख। उसके साथ ना मैं हूँ, अकेला नहीं है वो अब। इधर आ, मेरे मिक्की के बारे में भी कुछ कहा ना तू, देख ले। हाँ 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 मिक्की से तो पूजा थर्ड स्टैंडर्ड से सच्चा प्यार करती है, थर्ड स्टैंडर्ड से। और थर्ड स्टैंडर्ड से पूजा मिक्की के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। हाँ 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 ये पूजा ना मिक्की से थर्ड स्टैंडर्ड से प्यार करती, जब उसको नाक पोछनी भी नहीं आती थी। ये ऐसी तेरे को कह रही हूँ, जब उसको नाक पोछनी भी नहीं आती थी, लेकिन ना उसको सच्चे प्यार का मतलब पता था। और सूर्या ये सीम्स जुम्मा जुम्मा 7 दिन से तो गुल्लू को जानती नहीं है, और आई है बड़ी। अरे मैं ना मेरे बचपन से जानती हूँ गुल्लू और मिक्की को। अच्छा तो इसे कह दो इसके लिए बेहतर यही होगा अगर ये भाई बहनों के बीच में ना ही पड़े तो। चल तू चल। शांति शांति बनाए रखें, क्या जंगली बिल्लियों की तरह लड़ रहे हो यार तुम लोग। सीम्स तुम तैयार हो ना सुखदेव अंकल से मिलने जाना? तैयारी की क्या जरूरत है सूर्या, शेरनी है शेरनी, देखो कैसे सुखे चाचू के सामने जाके दहाड़ती है। क्यों ठीक है हम दोनों वहां जाकर पहले हालात का जायजा ले लेते, फिर तुम लोग पीछे से आ जाओ। हाँ ये संभालो। हाँ, और उसे भी संभालो। ये ठीक है तुम जाओ। अरे गुल्लू क्या हुआ? क्या हुआ यार, पहली बार मेरी किसी ने साइड ली है, इतनी इंपॉर्टेंस दी है। मेरा मिक्की भी यहाँ होता। और कटोरी तो हटा ले तुझे। थैंक यू। हटा रही हूँ। यार ये ना तेरा टैलेंट कमाल का है, तू ना जब भी मालिश करती ना दिमाग बिल्कुल हल्का हो जाता, सारी खिड़कियां खुल जाती।
ओए होए 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 वही जगह है वही जगह। आप तो बस ऐसे ही तारीफ करते रहते हो जी। ओ नहीं यार, तू वाकई बहुत टैलेंटेड है। देखा गुड्डी बेबी, हम तुमसे कहे थे ना कि इस वक्त इन दोनों को डिस्टर्ब नहीं ना कीजिए। देखिए कितने प्यार से उनका सर दबा रही है और तुम चली आए कबाब में हड्डी बनने के खाते। अरे इनको भी कभी प्राइवेसी में अकेले छोड़ देना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई प्राइवेसी नहीं बेटा। आ जा तो अंदर आ जा। अभी नहीं, हम बाद में आते हैं, आप अपना कार्यक्रम जारी रखिए। कोई कार्यक्रम नहीं है यार, आ जा ना। गुड्डी, ये सूर्या आप सरजू की तरह बात क्यों कर रहे हैं जी तेरे पुत्र? ऐसे ही लगता है कि आपका ड्राइवर ना कुछ ज्यादा ही अच्छे मूड में है। चुप कर, बदतमीज, कुछ भी बात करती है। आ जाओ पुत्र, अंदर आ जाओ। आजा आजा तू भी आ। ओ जग जग जी भाई, जग जग जी, आजा बैठ जा, आजा। ओ एक मिनट कटोरी हटा लो, ये तकिया भी ले ले तू। अरे थैंक यू, आराम नाल बैठ। और भाई क्या है ना पुत्र, बड़े दिनों बाद इनका मन हुआ कि मैं इनके सर की मालिश कर दूं, तो बस वो ही कर रही थी। अच्छा, हम तो सोचे थे कि आप इनके सर से चुन चुन कर सफेद बाल निकाल रही हैं। ओए, अगर मेरे मम्मी पापा का मजाक उड़ाया ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। ओए, ये तुम्हारे मम्मी पापा थे, अब ये मेरे मम्मी पापा है ना। वाह बिल्कुल बिल्कुल भाई। हाँ ये तो सही बात है। सुन लिया तुमने वो मैंने क्या कहा था? हाँ तुम तो बस अपने आप को घर की मुर्गी दाल बराबर ही समझो, ठीक है ना? कोई मजाक कर रहा है बेटा? हाँ, बुरा नहीं मान। अच्छा फिर ठीक है, मुझे लगा ये सीरियस है। अच्छा पापा, वो आपने पूजा और सीम्स को बुलाया था ना गुल्लू और मिक्की के बारे में कुछ समझाने के लिए, तो वो दोनों आ गए। ये पूजा और सीम्स को क्या समझाना है? तेरे माथे पे क्यों सलवटें पड़ रही हैं? टेंशन ना ले, जो बातें होंगी तेरे सामने होगी, सुन लेना। जो भी समझाना होगा तेरे सामने समझाऊंगा मैं। चल कोई बात नहीं भाई, मैं ना जरा तैयार होके आता हूँ नहा धोके, उसके बाद उन्हें समझाऊंगा। हाँ? तब तक तुम लोग बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए। तो हाय रब्बा, कितना सोएंगे? सुबह से सो रहे हैं, बस सो रहे हैं। ओ प्रोफेसर साहब, अरे उठिए ना, अब शाम हो गई है। उठो ना, चाय लाई हूं मैं। पाशु जी, सोते तो हर रोज हैं, लेकिन दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता। कभी हरी के बारे में, कभी गुड्डी की परेशानी के बारे में, आज एक अरसे के बाद बेफिक्री की नींद आई। हाँ जी, वो तो मैं सवेरे से देख ही रही हूँ, जब आपने अपने कॉलेज जाने से इनकार कर दिया था और आज छुट्टी मनाने का प्रोग्राम बना लिया था। हाँ पाशो जी, आज तो मन कर रहा था दिन भर सोता रहूं, इसलिए कॉलेज वालों से छुट्टी ले ली। पर प्रोफेसर साहब, ऐसा भी क्या सोना, सवेरे से ना आपने नाश्ता किया है ना दोपहर का खाना खाया है। वो मन ही नहीं कर रहा था, मन कर रहा था बस सोऊं। अच्छा वो सुखदेव आ गया? हाँ जी आ गया है, और ना बड़ा खुश भी है। हाँ? मुझे तो बिल्कुल विश्वास नहीं होता अपना सुखदेव इतना बदल गया है। हमेशा मस्ती के मूड में रहता है। पता है प्रोफेसर साहब, आज उसने सीम्स और पूजा को ना खास घर पे बुलाया है मिक्की और गुल्लू की टांग खींचने के लिए। अच्छा, लेकिन मिक्की तो चंडीगढ़ में है, फिर उसने खिंचाई कैसे करनी है?
हाँ तो कोई गल नहीं, उसने सारी की सारी कसर गुल्लू पे ही निकाल देनी है। पाशु जी, बाबा जी हमारे ऊपर बड़े मेहरबान हैं। नहीं तो ना मुझे बीच बीच में ऐसे लग रहा था कि हमारी जॉइंट फैमिली में कहीं दरारें ना पड़ जाएं। हाँ प्रोफेसर साहब, एक बार तो सुखे ने गुस्से में आकर हम सबसे अलग होने की धमकी भी दे दी थी। हे वाहेगुरु, इस घर को और इस घर की खुशियों को हर तरह की बुरी नजर से बचाना। पाशु जी, अगर घर में शांति हो तो इंसान का मन बड़ा खिला खिला रहता है। पूरी दुनिया कायनात उसे बड़ी खुशनुमा और हसीन लगती है। उसके बाल बच्चे खुश हों तो इंसान की ताकत दुगनी हो जाती है, पूरी दुनिया से लड़ने की ताकत आ जाती है उसमें। हाँ जी हाँ जी, समझ गई, सब समझ गई। अब ना ज्यादा फिलोसफी ना झाड़ो, चलो उठो जल्दी से, सवेरे से आपने कुछ भी नहीं खाया, चलो होगी चाय। हाँ वापस से ना सो जाना, नहीं तो मैंने ठंडे पानी की ना बाल्टी पूरी की पूरी ना आपके ऊपर डाल देनी जगाने के लिए। पाशु जी, मुझे ठंड लग जाएगी। तो कोई गल नहीं, गाना गा लेना, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। वाह पाशु जी वाह, बस ऐसे चेहरे पे मुस्कान रहे सबके, बड़ा अच्छा लगता। अब तो ये एक्सपोर्ट का मामला रिश्तेदारी में बदल गया है, तो ऑर्डर्स तो हमें मिलते ही रहने। और क्या, बल्कि मैं तो ये भी सोच रही थी कि हमारे पास तो इतना पैसा जमा हो जाना है कि उसको संभालना मुश्किल हो जाना है। संभालने की चिंता तो बिल्कुल ना कर, ओए संभालूंगा तो मैं एकदम बढ़िया तरीके से। बल्कि ना मेरे को तो ये लगता है कि ये सारे का सारा पैसा अगर हमारे पास आता, आए हाय हाय हाय, मजा ही आ जाता। कि कैसी बात कर रहे हो जी आप? अरे बाकी का आधा प्रॉफिट तो घर में ही है। हाँ शानी, ये कहने की बातें, ओए पैसा वो अपना होता है जो अपने अकाउंट में होता है। छोड़ो जी, आप ये भूल रहे हो कि अब अपना हरी और चन्नी साथ साथ हैं, और जब हरी को ये प्रॉफिट और फायदा होगा तभी तो वो चन्नी को खुश रख पाएगा। देख शानी, कह तू ठीक रही है, लेकिन यार ये 50% हरी को देना मेरे को पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता। अब तू देखना भाई, जमा जमाया सारा काम मेरा, सारा एक्सपीरियंस मेरा, और 50% हरी को, ये कोई बात है? नहीं जी, आप एक बात भूल रहे हो। उस वक्त सरजू यानी कि सूर्या ने हमारे सामने एक शर्त रखी थी कि जब तक हम ये 50% प्रॉफिट हरी से शेयर नहीं करेंगे तब तक उसने हमें ये एक्सपोर्ट का ऑर्डर नहीं दिलवाना है। मैं कुछ भूला नहीं हूँ, मुझे सब कुछ याद है, सब कुछ। लेकिन ये जो सूर्या है, इसने ये शर्त क्यों रखी थी? उसने इसलिए रखी थी कि हरी प्रदेश जाने की बात छोड़ दे, और अब तो हरी ने चन्नी के साथ रह के यही अपना काम करने की सोच ली है, बाहर तो जाएगा नहीं, तो अब उसको 50% किस बात का भाई? ना जी, आप ये बड़ा गलत कर रहे हो जी। अरे हरी का नुकसान यानी चन्नी का नुकसान, और आप अपनी ये डायरी में एक बात लिख कर अंडरलाइन कर लो कि चन्नी का नुकसान तो मुझे किसी भी हालत में नहीं होने देना है। ओहो यार शानी, शुरू से ही ना तू मेरी तो कोई बात समझती नहीं। भई एक बात देख, एक ही कार के दो आदमी जब एक काम में लगेंगे तो आमदनी तो एक ही होनी है ना, क्या फायदा हुआ? इससे बेहतर है ना कि हम हरी को कोई दूसरा बिजनेस करवा दें, उसका प्रॉफिट उसको मिलता रहेगा और हमारे काम का पूरा प्रॉफिट हमें मिलता रहेगा, है ना? एक बात तो पक्की है। क्या? यही कि सूखा सही कहता है। क्या? लालची तो आप जी भर के हो। हाँ तो मैंने कब कहा मैं लालची नहीं हूं? मैं लालची हूं, लेकिन एक बात ध्यान रखो मैडम, ये लालच ही है जो आदमी को तरक्की के रास्ते पे लेके जाता है। हैं?
हाँ तो बेटा सीम्स में ये कह रहा था कि भाई चलो ये हमारी मजबूरी है, हमारे घर में पैदा हुआ है, हमें इसे झेलना था, झेल रहे हैं। लेकिन बेटा तेरे पास तो चॉइस थी, बाहर बहुत सारे लड़के थे, तूने इसे क्यों चूज किया? पापा जी सीम्स के पास कोई चॉइस नहीं थी, क्योंकि जितना गुल्लू सीम्स का दीवाना है उससे कई ज्यादा सीम्स गुल्लू की दीवानी है। हाँ अच्छा एक बात बता, एक बात बता, तू मुझे ये बता कि तुझे इसके अंदर कौन सा गुण दिखाई पड़ा, कौन सी क्वालिटी दिखाई पड़ी जो तूने इसे पसंद किया? हाँ हाँ पुत्र, तू बेझिझक होके बता दे, ऐसा क्या देखा तूने इस नालायक गुल्लू में जो तू इससे शादी करने चली है? सीम, पापा कुछ पूछ रहे हैं, बता। क्या हुआ सीम्स? मम्मी जी तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रही हैं। चल भाई, ये बात तय हो गई कि तेरे अंदर ना एक भी गुण नहीं है। सीम्स को तेरे अंदर एक भी क्वालिटी नहीं दिखी, बताएगी क्या? ओए उल्लू, कहीं तुम्हें तेरे अंदर ना उसे एक भी क्वालिटी दिखी नहीं, लेकिन तब भी प्यार कर रही है, एहसान मान उसका। अब इस गुलवा में ऐसा कोई गुण हो तो सीम्स जवाब देना। सुखदेव अंकल, कोई छोटा मोटा गुण हो तो बताओ, मेरे गुल्लू में तो बहुत ही बड़ा और जबरदस्त गुण है। हाँ सुखदेव अंकल, और इसी जबरदस्त गुण की वजह से हमारी सीम्स गुल्लू की दीवानी हो गई है। ओए होए। अच्छा बेटा सीम्स, मुझे वो गुण बता जिसकी वजह से तू इसकी दीवानी। चल। हाँ, जो हमें दिख नहीं रहा है ये है कि गुल्लू आपका लाडला भतीजा है, स्मार्ट है, हैंडसम है, इंटेलिजेंट है, डैशिंग है, बिल्कुल आप पर गया है। बस इतना समझ लीजिए कि मेरा गुल्लू मिनी सुखदेव खन्ना है। क्या जवाब दिया, और पंगे लो मेरी जानू से। घर जाते हैं इसकी एक मुस्कान से, घर में कुछ हो जाए।